इस नवरात्रि घोड़े की सवारी पर होगा माँ का आगमन और भैंसा पर होगी विदाई। शक्ति की उपासना का त्यौहार शारदीय का आरंभ 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। प्रत्येक साल शारदीय नवरात्रों का आरंभ पितृपक्ष की समाप्ति होते ही हो जाता है, लेकिन इस बार मलमास हो जाने की वजह से पितृपक्ष और नवरात्र के बीच करीब एक महीने का अंतर कर दिया। हिंदू धर्म ग्रंथ और पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा बेहद धूमधाम और प्यार से की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही माँ की पूजा शुरू हो जाती है और हर पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है। इस बार नवरात्रि का पर्व अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होगा, जो 17 अक्टूबर को है। इस दिन सूर्य कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:23 से 10:12 बजे तक रहेगा। देवी भागवत पुराण में इस बात का जिक्र है कि देवी के आगमन का अलग अलग वाहन है। माना जाता है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार को हो रहा है तो इसका मतलब वो हाथी पर आएंगी। वहीं अगर शनिवार या फिर मंगलवार को कलश स्थापना हो रही है तो माँ घोड़े पर सावर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र का आरंभ हो रहा हो तब माता डोली पर आती है। बुधवार के दिन मानव को अपना सवारी बनाती हैं। इस बार दुर्गा पूजा और नवरात्र की शुरुआत शनिवार से हो रही है, ऐसे में माँ घोड़े को अपना वाहन बनाकर धरती पर आएंगी। माँ का घोड़े पर आना शुभ नहीं माना जाता है। घोड़े पर आने से पड़ोसी देशों से युद्ध, सत्ता में उथल पुथल और साथ ही रोग और शौक का प्रतीक माना जाता है। इस बार माता रानी की विदाई भैंसा पर होगी।